Hi everyone and assalamu alaikum. Welcome to my channel Cook and Entertainment with ASK. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत से जो है सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलेंगे। बहुत से सवाल जो उम्र से रिलेटेड, लॉकडाउन के बाद उम्र की कैसे बुकिंग हो रही है, कैसे जा रहे हैं और वहाँ पे क्या इंतज़ाम हैं, कैसे हो रहा है, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ताइफ से अहराम बांध कर निकल चुके हैं मक्का की तरफ और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम मक्का पहुँच जाएँगे और वहाँ पर हम उम्रा अदा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि कैसे उम्र की हम बुकिंग करते हैं। तो लॉकडाउन के बाद उम्र की बुकिंग ऑनलाइन होती है। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है इतमरना नाम की। फिर उसमें आपने अपना डाटा वगैरह डाल के आपने कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसकी जो है पेमेंट कर देनी है, ऑनलाइन ही सब हो जाएगा। तो अगर आप विज़िट पे हैं, हस्बैंड वाइफ, आपके हस्बैंड वहाँ पे हैं और आप विज़िट पे आए हुए हैं, तो आप एक साथ बुकिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। जी हाँ, इकामा होल्डर और जो विज़िट पे हैं वो एक साथ उम्रा नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे को ऐड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम पहुंच चुके हैं खुदाई पार्किंग मक्का में, मक्का के बिल्कुल करीब। यहाँ पे पार्किंग में हम गाड़ी लगाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, आप यहाँ पे जब चाहें जितनी देर चाहें पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हैं। और वो जो आपको आगे कैंप नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे सबसे पहले हमारा टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो हमने चेक करवा दिए हैं, अब ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर वेटिंग एरिया से गुजरते हुए हम जो है बस में फिर यहाँ से बैठेंगे। फ्रेंड्स, बच्चों को अलाउ नहीं है उम्रा, इसलिए वेटिंग एरिया यहाँ पे एक जो है बंदा उम्रा करके आएगा, दूसरा बच्चों के साथ यहाँ पे वेट करेगा। और उम्रे का परमिट जो है वो 3 घंटे के लिए एक बंदे के लिए होता है। तो पहले एक बंदा उम्रा कर आएगा, फिर दूसरा जो है वो वेट करेगा बच्चों के साथ, और इस तरह जो है मैनेज करना पड़ता है लॉकडाउन के बाद। अब हम ये बस में यहाँ से बैठे हैं और बस हमें खुदाई पार्किंग से हरम तक लेके जाएगी। ये बसेस स्पेशल इसीलिए हैं जी। तो हम बस में बैठ चुके हैं। असल में आपको पता है कि कोरोना के बाद अब जो है सोशल डिस्टेंस है, इसलिए 2 सीटों पे जो है एक बंदा ही बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैं हूँ 2 सीटों पे, मैं अकेली बैठी हूँ। अब हम यहाँ से हरम की तरफ जा रहे हैं बस में। ये देखें, एक सीट खाली है और फिर अगली सीट पे एक बंदा है, फिर एक सीट खाली है। इस तरह से अब ये जो है हम जी हम तकरीबन पहुंच गए हैं। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मक्का टावर है और इसके पास ही अब हमें यहाँ पे बस उतार देगी। यहाँ से हम पैदल हरम तक जाएंगे, ठीक है जी। तो जैसे हम हरम के करीब जा रहे हैं तो हमारे दिल की धड़कनें जो है मेरी बहुत तेज़ हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि वो अपने घर हमें बुला रहे हैं। देखिए जो मक्का टावर नज़र आ रहा है आपको, अब हम बस से उतर कर ये मक्का टावर के नीचे से जो पार्किंग है मक्का टावर की, वहाँ से इन्होंने रास्ता बनाया, वहाँ से हम गुजर कर हरम तक जाएंगे। ये मक्का टावर की जो है अंडरग्राउंड पार्किंग है, यहाँ से हम गुजर कर जा रहे हैं। बहुत ही खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला अपने घर पे बार बार हमें बुलाए, बहुत ही जो है खुशी होती है। अल्लाह ताला सबको बुलाए, यही सबसे ज़्यादा दुआ मांगी कि अल्लाह ताला जिनको नहीं भी बुलाया उनको भी बुलाए। तो हम अंडरग्राउंड जो है पार्किंग से ऊपर हरम की तरफ जाएंगे, जिस काम के लिए हम आए हैं उम्रा अदा करने, अल्लाह ताला उस उम्रे को कबूल और मंजूर फरमाए। तो अब हम जो है हरम में एंटर हो रहे हैं, अब हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप, माशाल्लाह।
हम यहाँ पर असर की टाइम पहुँचे हैं, फिर असर की यहाँ आकर हमने नमाज़ पढ़ी। बाजमात तो नहीं पढ़ सके, थोड़ा लेट हो गए थे, तो लेकिन ये है कि हमने यहाँ पर असर पढ़ी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मगरिब पढ़ने के बाद हम वापस जो है गए हैं। इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखें कि एवरी टाइम वर्कर्स जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं, हर टाइम साफ सफाई हो रही है और बहुत ही अच्छा जो है इंतज़ाम यहाँ पे उन्होंने संभाला हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, देखें यहाँ पे हम पहुँच के नीचे सबसे पहले यहाँ पे हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर हम अंदर गए और उमरा शुरू किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखिए हरम नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे तवाफ करेंगे, आपके खूब दुआएं मांगेंगे। बहुत ही दिल को खुश कर देने वाला मंज़र आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला सबको यहाँ बुलाए और बार बार बुलाए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको यहाँ बुलाए। जब पहली नज़र काबे पे पड़े तो कहते हैं कि जो दुआ भी मांगी जाए वो कबूल होती है। तो पहले सबसे हमने यहाँ पे बहुत दुआ मांगी, उसके बाद उमरा स्टार्ट किया। यहाँ पे किसी भी चीज़ को टच करने की इजाज़त नहीं है, ना हजरत असद को ना मुकाम इब्राहिम को, इसलिए उन्होंने दूर 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 से बस आपने हजरत असद को बोसा लेके शुरू करना है। तो बहुत सी दुआएँ मांगी, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला अगली मंजिलें आसान करे और हमारी नस्लों को यहाँ बार बार आने की तौफीक अता फरमाए और उनको नेक बनाए। आप करते हुए भी देखें, आप सोशल डिस्टेंस का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा है। आप देखें पहले माशाल्लाह कितना रश होता था यहाँ पे, जब उमरा करने आते थे लोग तो बहुत रश होता था। तो लेकिन आप देखें आप कैसे उन्होंने मैनेज किया हुआ है, सबको टाइम दिया हुआ है और जो है सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा था। यहाँ पे आबे जमजम पीने का ये है कि अब पहले यहाँ पे कूलर्स पड़े होते थे, अब कूलर्स नहीं है बल्कि कुछ वर्कर्स हैं जो कि आबे जमजम के कूलर्स उठा के घूम रहे होते हैं। तो आप उनसे पानी लें तो ना वो तो आप किसी गिलास को टच करेंगे और ना ही आप किसी कूलर को टच करेंगे, वो खुद से ही जो है पानी डाल के दे देते हैं। तो अब हमने जो है तवाफ़ के बाद सही करनी है, तो अभी जो है हम ऊपर आए हैं और यहाँ बैठ के नवाफिल पढ़ के दुआ मांग लेते हैं, फिर हम सही करने के लिए चलेंगे। यहाँ से ऊपर से भी आप हरम शरीफ का नज़ारा देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी देख लें, देख देख के दिल जो है वो नहीं बढ़ता, दिल यही चाहता है कि बस देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। लेकिन ये है कि इसकी एंट्रेंस जो थी वो इस तरफ से थी और जब हम बाहर एग्ज़िट हुए हैं वो इस तरफ से नहीं, आप दोबारा आ सकते, दोबारा इस साइड पे वो आपको नहीं आने देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी वीडियो बनाती रही काफ़ी देर तक। हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली थी, उनके साथ हमें बहुत ही आसानी भी रही और जो है हमारा सफ़र भी काफ़ी लंबा था, 12-13 घंटे का, तो उनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा, उनका भी मैं थैंक्स करूँगी जी। तो अब हम सही करने आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं। आपको ग्रीन लाइट्स देखिए ऊपर नज़र आ रही हैं, जहाँ से तेज़ी से चलना होता है सही करते हुए। अब हम सही स्टार्ट करेंगे। उम्रे के लिए अभी तक बच्चों को अलाउ नहीं किया गया, तो बच्चों के जो जिन के मतलब बच्चे हैं उनको ये चाहिए कि वो हस्बैंड एंड वाइफ जो है टाइमिंग अपने चेंज रखें, पहले 3 घंटे जैसे ही ख़त्म होते हैं नेक्स्ट 3 घंटे की वो कर लेना हस्बैंड एंड वाइफ। तो एक बंदा उम्रा करे और फिर एक बंदा बच्चे को लेके वेटिंग एरिया में बैठ जाए, तो उनका उम्रा जो है वो पॉसिबल हो सकता है। माशाल्लाह जी अब हम सफ़ा मरवा करने के लिए आ गए हैं, यहाँ पे हम अपनी सही मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हमारा उम्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये उम्रा कंप्लीट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एग्ज़िट है। अब हम बस में बैठ के वापस जाएंगे
पार्किंग में, अब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाएंगे अपने होटल में। ओके जी व्यूअर्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियोस के साथ।